नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी में। हमने अपने लास्ट कुछ सेशंस पहले हमने स्टार्ट किया था अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये टॉपिक स्टार्ट किया था अपने पहले टॉपिक से कनेक्ट करके, यानी कि हमारा जो हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक था वो था भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। तो व्याकरण, जैसे मैंने आपको बताया कि वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान करते हैं, और इसके मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि अगर हमें भाषा को जानना है, भाषा के विषय में अगर हमें समझना है, तो हमें भाषा के इन तीन अंगों को समझना होगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वर्ण विचार, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। काफी एक तरह से जनरल टॉपिक था, बिल्कुल एक तरह से सबसे शुरुआती टॉपिक इसको हम कह सकते हैं। जब आप क्लास 1 2 में होते हैं तभी आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे तक चलने वाला आपका टॉपिक है। इसी का आपको प्रॉपर ज्ञान जो है होना चाहिए, एक तरह से आपका बेस है ये हिंदी व्याकरण का। उसके बाद हमारा जो इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे वर्ण पढ़े थे, वर्णों के बारे में, वर्णों के भेद हमने पढ़े थे, जिसमें हमने स्वर और व्यंजनों को बहुत अच्छे से जाना था। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना दूसरा टॉपिक जो व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार को हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। तो जिसमें मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर लास्ट सेशन में शब्द की परिभाषा बताई थी, और एक तरह से मैंने आपको शब्द की पूरी परिभाषा, कैसे ये शब्द बनता है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था और शब्द की परिभाषा बताई। उसके बाद मैंने शब्द भंडार के विषय में आपको बताया कि शब्द भंडार किसे कहते हैं, किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं, जो कि सभ्यता के विकास के साथ साथ जिसमें नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं और कुछ कुछ शब्द जो है वो हटते जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे कि जैसे कुछ शब्द जो आपके दादा दादी के टाइम पे चलते थे और कुछ अभी जो हमारे आधुनिक जो हमारा जो टाइम है, समय है, इसमें आए हैं, तो उनमें काफी अंतर है। वो शब्द शायद आप प्रयोग नहीं किए जाते और कुछ शब्द हैं जो तब प्रयोग नहीं किए जाते थे। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है वो है शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए उनको डिवाइड करना, उनको वर्गीकृत करना, उनको अलग अलग भागों में बांटना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बांटा अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। जैसे मैंने कहा अनेकार्थी क्या होते हैं, एकार्थी क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बताई। फिर प्रयोग की दृष्टि से क्या होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी। इतिहास की दृष्टि से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द। उसके बाद चौथा पार्ट था रचना की दृष्टि से, रचना यानी कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ आपको शब्द बताए, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो देखिए, ये चारों टॉपिक मैंने आपको लास्ट सेशन में एक मोटे तौर पर, यानी कि बिल्कुल यहीं पर मैंने आपको ये क्लियर किए थे। तो अब देखिए, यहाँ पर इनको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो आपके एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, विलोम क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो आपके चारों के चारों जो टॉपिक है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये आप क्लास 1 2 में पढ़ लेते हैं, यानी कि आपको छोटे छोटे, एक तरह से बहुत सारे नहीं सिखाए जाते हैं, लेकिन विलोम शब्दों का ज्ञान आपको कराया जाता है, अपोजिट वर्ड्स इंग्लिश में भी कराए जाते हैं, हिंदी में भी कराए जाते हैं, और अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दों को लेंगे जो कि आपके अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं और विलोम शब्द हैं, काफी अधिक संख्या में हैं, आप चाहे तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर इस टाइम पे हम यहाँ पर अपना ये वाला टॉपिक लेंगे। वैसे ये आपका जो एक टॉपिक है ये पूरा अलग से आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण। तो यहाँ पर मैं अभी हम इस टॉपिक के केवल एक टॉपिक को लेंगे जिस पर हमारा आएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एक तरह से वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो देखिए ये आपके किस तरह के शब्द हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने पर्यायवाची शब्दों को लेंगे। तो देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट सेशन में एक मोटे तौर पर बताया था। और देखिए यहाँ पर मैंने काफी सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्दों के लिए मैंने यहाँ पर कहा था कि एक ही अर्थ प्रकट करने वाले, यानी कि जो पर्याय यानी कि वो अर्थ एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द, एकाधिक यानी कि एक से अधिक जो आपके शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यूं तो किसी भाषा में कोई दो शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, उनमें हमेशा एक सूक्ष्म सा अंतर रहता है, एक छोटा सा अंतर, कि हर भाषा में ऐसा नहीं है कि दोनों शब्द समान अर्थ देते हो। एक छोटा सा अंतर हमेशा रहता है और वो अंतर रहता है प्रयोग का, वो अंतर रहता है प्रयोग का। यानी कि आप जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया था जल और पानी के बीच में। अगर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा शब्दों को, जल और पानी के बीच में, देखिए जल और पानी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जल का पर्यायवाची है पानी, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो हम दोनों को हर एक जगह नहीं लिख सकते हैं, यानी कि हम जल को वहीं पर लिखेंगे जो जल जहां पर शब्द एक तरह से सूटेबल होगा, जहां पर वो सूट करेगा, और पानी को हम वहीं पर प्रयोग करेंगे जहां पर पानी शब्द एक तरह से यूज होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं लिखूं गंगा पानी, क्या ये आपको शब्द शुद्ध लग रहा है? गंगा पानी आपका शुद्ध शब्द होगा गंगा जल, ठीक है। तो इस तरह से एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भाषा में कोई भी दो शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ छोटा सा अंतर रहता है और अर्थ के स्तर पर अधिक निकट, क्योंकि ये अर्थ के स्तर पर अधिक निकट होते हैं, यानी कि एक जैसा अर्थ, लगभग एक जैसा अर्थ इनका होता है, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, और मैंने काफी अधिक संख्या में ये पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो हो ना हो कि आपको ना आए। जैसे देखिए पहला शब्द है अहंकार, अहंकार शब्द के पर्यायवाची घमंड, अभिमान, दर्प, दंभ, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है किसके? आपके अहंकार शब्द के। तो देखिए हम यहाँ पर शब्दों को पढ़ रहे हैं वो भी अर्थ के आधार पर, तो ये हमारे हैं समानार्थी भी कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब देखिए अगला है अमृत, तो अमृत के अमीय, सुधा, पीयूष, अमी, ये आप लिख सकते हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला है आपका अंधेरा, अंधेरा का क्या होता है पर्यायवाची? तम, तिमिर, अंधकार, अतिथि, अतिथि अर्थात मेहमान, पाहुन, आगंतुक। अब देखिए आपने कविताएं सुनी होंगी, जब आप कविता, पर्यायवाची शब्द के क्या प्रयोग होते हैं, आप कैसे इन पर्यायवाची शब्दों को केवल और केवल रटना नहीं है, केवल और केवल रटना नहीं है कि आपको याद हो गए पर्यायवाची शब्द, आपने पढ़े, आपने कॉपी में लिख दिए, आपने रट लिए, लेकिन सबसे मेन चीज क्या होती है? मेन चीज जो होती है कि आपने जो चीज आप पढ़ रहे हैं,
जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने व्यवहार में कितना लेकर आते हैं, यानी कि आप उन चीजों को अपने जो आप लिख रहे हैं उसमें कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्दों का जो एक तरह से जो ये प्रयोग है ये यहीं पे आपका पता चलता है कि अगर मान लो आप लिख रहे हैं कोई कविता, अगर आपने कोई कविता लिखी है ठीक है, तो आप वहां पर हर जगह अगर मेहमान के बारे में अगर कविता है तो अगर हर जगह मेहमान 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 शब्द लिखेंगे तो कविता इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन आप कहीं पर पाहुन पाहुन शब्द का अगर प्रयोग करेंगे, आगंतुक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, कविता जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और ज्यादा क्या हो जाएगी, रुचिकर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से देखिए असुर, असुर शब्द जो है वो राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राक्षस 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 ना कहकर धनुज दानव निशाचर, निशाचर यानी कि जो रात्रि में विचरण करते हैं, आकाश का नभ गगन आसमान, आंख का पर्यायवाची नयन नेत्र लोचन दृग चक्षु, ठीक है, तो ये आपके आंख का पर्यायवाची। इस तरह से अग्नि या आग का पर्यायवाची अनल पावक दहन, दहन भी होता है अनल पावक दहन ज्वाला अग्नि, ठीक है, ये सब आग के पर्यायवाची। आभूषण, आभूषणों के क्या पर्यायवाची होते हैं, अलंकार गहना जेवर, ठीक है, और इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि इन शब्दों को जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल रटने के लिए नहीं होते ये शब्द, क्योंकि हर जगह आपको देखिए ईश्वर के बारे में, ईश्वर को कोई भगवान कहता है, कोई ईश कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई जगदीश कहता है, ठीक है। इसी तरह से उद्यान उपवन बगीचा वाटिका सुकुमार कमल, कमल का जो पुष्प होता है फूल होता है उसको कोई पंकज कहता है, कोई नीरज कहता है, कोई जलज कहता है, कोई वारिज कहता है, कोई पदम कहता है, कपड़ा कोई वस्त्र कहता है, कोई अंबर कहता है, कोई वसन कहता है, कोई पट कहता है, कोई चीर कहता है। इसी तरह से कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से लोग उन्हें जानते हैं, मोहन माधव गोपाल गिरधर केशव, ठीक है, बहुत सारे नाम बहुत सारे पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से गाय गंगा गणेश, तो जितने भी ये पर्यायवाची शब्द हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, और ये सब हैं आपके एक तरह से समानार्थी भी कह सकते हैं और पर्यायवाची भी कहते हैं। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, कहते हैं ना लंबोदर लंबोदर, गजानन गज के समान है जिनका आनंद, एक दंत अर्थात एक दांत जिनका है, विनायक घोड़े का पर्यायवाची अश्व, ठीक है, तुरंग बाजी घोटक हय सैंधव, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपके पर्यायवाची शब्द हैं जो आप आसानी से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे और इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए होते हैं, तो उनमें से आप कुछ शब्दों को अपनी कॉपी में जरूर लिखें इस टॉपिक को लिखने के बाद, पर्यायवाची शब्दों को लिखने के बाद। देखिए मैंने यहाँ पर काफी सारे शब्द आपको दिए हैं और देखिए यहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि आप याद भी रख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घर सदन गृह निकेतन आलय, चांद का पर्यायवाची ज्यादा पूछा जाता है, राकेश शशि रजनीश इंदु, ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जाता है देवता का पर्यायवाची शब्द, तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुर अमर देव अजर विबुध, दूध का पर्यायवाची पूछते हैं, दिन का पर्यायवाची पूछा जाता है, ठीक है, इसी तरह से नदी का पर्यायवाची पूछते हैं, सरिता तटिनी तरंगिणी, इस तरह से कई बार मनुष्य का पर्यायवाची आपको पूछा जाता है, मनुज मानव इंसान जन नर आदमी, फूल का पर्यायवाची कॉमन है पूछा जाता है, पुष्प कुसुम प्रसून सुमन पुहुप, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो कि
एक तरह से जिनमें से कुछ शब्द जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे वायु का, पवन, ठीक है, हवा, समीर, अनिल, मारुत, राजा का, नरेश, नरेंद्र, भूप, महीप, भूपाल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं और आपको याद भी होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको अगला टॉपिक यहाँ पर बताया, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो विलोम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि जो क्या करते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विलोम। जैसे अस्त का अर्थ होता है उदय, अक्षम का सक्षम, ठीक है, इसी तरह से अर्थ का अनर्थ, अनाथ का सनाथ, अपना का पराया, अमृत का विष, ठीक है, इसी तरह से अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, अंधेरे का उजाला, अवनीति का उन्नति, अल्पायु का दीर्घायु, अनुज का अग्रज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और भी कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, तो जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं और घर से भी लिख कर ला सकते हैं। तो विलोम का अर्थ आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। काफी सारे विलोम शब्द यहाँ पर दिए हैं जिनको आप पढ़कर आएंगे और साथ ही उनके आप उल्टा यानी कि विलोम शब्द भी लिख कर आएंगे। जैसे आवश्यक का अनावश्यक, आय का व्यय, आसक्ति का विरक्ति, उत्तर का प्रश्न, उपकार का अपकार, उत्तर का दक्षिण, उचित का अनुचित, ठीक है, इच्छा का अनिच्छा, ठीक है, ऐच्छिक का अनिवार्य, यानी कि जो ऐच्छिक हो यानी कि अपने मन से, और कुछ होता है अनिवार्य यानी कि जो आपको करना ही करना है, ठीक है। इस तरह से विलोम शब्द भी बहुत सारे होते हैं, तो कुछ विलोम शब्द आप जरूर यहाँ पर एग्जाम्पल में अपनी नोटबुक में लिखें, अपनी नोटबुक में उन्हें करें। उसके बाद आता है हमारा अगला, यहाँ पर मैंने आपको बताया विलोम शब्द, जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे विलोम शब्द आपको दिए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो। देखिए, इसका पहला मैंने आपको बताया था एकार्थी, यानी कि जिसका केवल एक अर्थ निकलता है, ठीक है, और अनेकार्थी यानी कि एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो ये शब्द आप जरूर कुछ लिख लें अपनी नोटबुक में, कुछ शब्दों को, जैसे अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है नष्ट ना होने वाला, या फिर ईश्वर, या वर्ण, वर्ण को भी हम अक्षर कहते हैं। अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है कपड़ा, आकाश और कपास। देखिए, इसको आप पर्यायवाची ना समझें, इनको आप पर्यायवाची ना समझें, ये अनेकार्थी है, यानी कि ये उस शब्द का एक तरह से दूसरा आपका अर्थ है कि उस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अर्थ का एक जो मीनिंग होता है वो होता है धन, कहते हैं ना उसने बहुत ज्यादा अर्थ कमा लिया, ठीक है, उसका एक मीनिंग होता है धन, और एक होता है मतलब क्या मीनिंग है, और एक होता है उद्देश्य, ठीक है। इसी तरह से अली का एक शब्द होता है भौरा, सखी, कोयल। अंक का एक अर्थ होता है गोद, ठीक है, अंक, ठीक है, अंक यानी कि गोद, और गणना के लिए अंक, और एक अर्थ होता है मध्य यानी कि बीच में। इसी तरह से आम, आम का एक अर्थ तो आप सभी को पता है कि एक फल होता है, और एक होता है सामान्य, कहते हैं ना कि हमारे ये आम लोग हैं, तो ये कुछ सामान्य या मामूली भी कह सकते हैं। उत्तर, उत्तर का आपका एक अर्थ होता है किसी प्रश्न का उत्तर देना यानी कि जवाब देना, एक आपका होता है दिशा, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक दिशा आपकी होती है, और दूसरा होता है बाद का। जैसे मैं कहती हूँ ना कि पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि बाद का पद। इसी तरह से यहाँ पर एक और शब्द दिया गया है, देखिए कनक, कनक का अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया। तभी आप देखिए, जब आप, मैं
मैंने आपको बताया ना कि ये शब्द आपके कहाँ प्रयोग होते हैं, हिंदी में सारी चीजें आपकी इंटर रिलेटेड होती हैं। व्याकरण जब आप पढ़ते हैं तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। आप, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कनक, तो कनक का एक अर्थ होता है सोना और एक अर्थ होता है धतूरा। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको कहीं पर पढ़ने को मिले कनक कनक से 100 गुनी, तो क्या होगा दोनों शब्द का, अब आप पूरा पढ़ेंगे कनक कनक से 100 गुनी माधवता अधिकाय वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए, कि एक को खा के बोरा जाता है एक को पा के बोरा जाता है, यानी कि दोनों क्या है अलग अलग है। खाकर यानी कि जो धतूरा होता है, ठीक है, जब धतूरा इंसान खा लेता है तो उसको नशा चढ़ जाता है, वो बोरा जाता है, वो हरकतें ऐसी करता है कि वो बोरा गया है, पगला गया है। और एक यानी कि जो आपका कनक यानी सोना है, जिसको बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण मिल जाएगा, ठीक है, तो वो देखकर ही बोरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग अर्थों को समझने का आपका यहीं पर यहाँ एक यही रीजन है कि आपको हर चीज पढ़नी होती है, हर चीज समझनी होती है। जैसे देखिए कर, कर का अर्थ होता है हाथ, कहते हैं ना कर कमलों से, अपने इन कर कमलों से हाथ, और एक अर्थ होता है किरण, एक अर्थ होता है हाथी की सूंड, एक अर्थ होता है टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर विभाग, सुना होगा ना आपने आयकर विभाग, इनकम टैक्स ऑफिस, ठीक है। तो कर का अर्थ होता है टैक्स या लगान कह सकते हैं। कल, कल का होता है कि एक तो आपका बीता हुआ कल, ठीक है, कल हम वहां गए थे। एक होता है मशीन, कहते हैं कल पुर्जे, कल पुर्जे कहते हैं ना, मशीन के पुर्जे, कल पुर्जे। चैन, काल का अर्थ होता है समय, एक काल का अर्थ होता है समय, एक काल का अर्थ होता है मृत्यु। इसी तरह से देखिए कक्षा, कक्षा का अर्थ होता है, एक होता है जो आपकी है छात्रों का समूह, छात्रों के समूह को क्या कहते हैं कक्षा, और एक होता है परिधि, जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है, अपनी परिधि पर घूमती रहती है ना पृथ्वी, एक तो अपनी परिधि पर इस तरह से घूमती है और दूसरा सूरज के चारों तरफ अपनी परिधि पर घूमते हुए इस तरह से चक्कर लगाती है, यानी कि वो अपनी परिधि पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, और इसका एक अर्थ होता है समूह। कुल, कुल का अर्थ एक होता है सब यानी कि टोटल, और एक होता है आपका वंश, ठीक है, जैसा ना कुल दीपक तो वंश। उसके बाद गुरु, गुरु का अर्थ होता है, एक होता है बड़ा, एक होता है महान और एक होता है शिक्षक, ठीक है। इसी तरह से घट, घट का अर्थ होता है एक घड़ा, एक होता है शरीर और एक होता है हृदय। इसी तरह से घन, घन का आपने सुना होगा घन यानी कि एक होता है हथौड़ा, जिससे एक तरह से आपने देखा होगा लोहे को जब गर्म किया जाता है ऊपर से उसकी चोट की जाती है, हथौड़े से मारा जाता है, घन से मारा जाता है, लोहे का हथौड़ा होता है बहुत बड़ा, ठीक है। और एक घन का अर्थ होता है बादल। अब आप देखेंगे कि ये जो अनेकार्थी शब्द है इनका भी जो प्रयोग किया जाता है वो सोच समझ कर किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द का प्रयोग कहीं पे भी कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह से देखिए ठाकुर, ठाकुर हम देवता को भी कहते हैं, स्वामी को भी कहते हैं और क्षत्रिय को भी ठाकुर कहा जाता है। तार, दंड, दक्षिण, द्विज, नाग, निशान, पतंग, पत्र, पद, सब चीजों के एक से अधिक अर्थ हैं। तो ये क्या है, ये सारे आपके अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द यानी कि एक से अधिक अर्थ जिनके निकलते हों, इनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो ये हमने यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ी। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपके एग्जाम में आता है और पहले भी आता होगा, आपने पहले भी पढ़े होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्याकरण जो होती है वो आपकी चाहे फर्स्ट में हो, चाहे क्लास सिक्स में हो, चाहे क्लास नाइन्थ में हो, आपका टॉपिक जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, तभी आप
किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे, चाहे 9th क्लास का अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे 6th का पढ़ रहे हैं, बेसिक्स आपके क्लियर जरूर होने चाहिए। तो ये इसी तरह के कुछ बेसिक्स हैं जो आपने, जैसे हम यहाँ पर समास पढ़ते हैं, हम संधि पढ़ते हैं, तो ये उसी तरह की कुछ चीजें हैं। जब आप यहाँ पर ये बेसिक्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप अच्छे से आगे जो बड़े टॉपिक आपके आएंगे व्याकरण में उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा, जो नहीं मरता है उसे क्या कहते हैं? अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक भाजी खाने वाला शाकाहारी। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व। स्वयं पैदा होने वाला स्वयंभू, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो शत्रुओं का नाश करता हो उसे कहते हैं शत्रुघ्न। ठीक है, तो इस तरह से जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। जिसका भाग्य अच्छा हो उसे कहते हैं भाग्यशाली। अरे आप तो बड़े ही भाग्यशाली है। बहुत अधिक वर्षा अतिवृष्टि, बहुत कम वर्षा अनावृष्टि अल्पवृष्टि। जहां जब वर्षा ना हो अनावृष्टि। नीचे की ओर निम्नगामी, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी। घास काटने वाला घसियारा, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। तो इस तरह से आपके ये जो शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका इसी में आता है। और इसमें देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं और ये आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप इन्हें समझे। जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जिसको हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है, जो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है या कहीं पर भी बातचीत हो तो वो अपनी बात बीच में रखता है, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वासी। जो बहुत बोलता हो वाचाल, कहते हैं ना बहुत वाचाल है ये। 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, यानी कि जो 15 दिनों का पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक महीने में जो हमारे हिंदी के जो महीने होते हैं, जैसे आपके चैत्र बैसाख, तो इनमें क्या होता है 15-15 दिन जो है बटे हुए रहते हैं। 15 दिन होता है शुक्ल पक्ष, 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष। तो जो 15 दिनों में होने वाला हो उसे कहते हैं पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे कहेंगे मूल्यवान। जो उपकार को न मानता हो उसे कहेंगे कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। सप्ताह में अगर कोई चीज एक बार होती है उसे कहते हैं साप्ताहिक। कहते हैं ना ये साप्ताहिक पत्रिका है, यानी कि ये सप्ताह में केवल एक बार ही आती है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, यानी कि जिसके बारे में हमें आने का, जिसके आने जाने का हमें पता ना हो उसे कहते हैं अतिथि, यानी कि मेहमान। कहते हैं मेहमान तो कभी भी, अरे हमारे घर में तो मेहमान आए हैं, यानी कि कभी भी आते हैं, जो जिनके आने जाने का हमें पता ना हो उन्हें कहते हैं अतिथि। बिना सोचे विचार से किया हुआ विश्वास, यानी कि जहां पर हम बिना विचार के किसी पर विश्वास कर लेते हैं, किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, उसे कहते हैं अंधविश्वास। कहते हैं ना इसके अंदर बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, यानी कि ये उन चीजों को, कोई अगर कुछ कह रहा है तो उन बातों पर, उन चीजों पर बिना विचार किए उस पर विश्वास कर लेता है, वो है अंधविश्वास। जिसे क्षमा ना किया जा सके वो है अक्षम्य। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने काफी सारे आज अपने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द हमने यहाँ पर पढ़े, और साथ ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और एक तरह से देखिए बहुत ही इजियर भी थे, यानी कि बहुत ही आसान भी थे समझने के लिए। देखिए कुछ और जो चीजें हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने टॉपिक अपना शुरू किया है उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो हमारा जो शब्द विचार टॉपिक चल रहा है उसमें जो हम शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आगे हम अपने तत्सम और तद्भव शब्दों को कंटिन्यू करेंगे। जितना आज पढ़ाया है इसे घर पर एक बार रिवाइज करें और बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।